बोल बाके बिहारी लाल की इतनी खुशी। जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल गुंजन व्लॉग्स। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप कृष्ण जी के दर्शन करके तो और अच्छे हो ही गए होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या हमने तैयारी की हुई है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज कृष्ण जी के दर्शन करते हुए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। ये हमने ये ख़रीदारी की है तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या परचेज़ किया था मार्केट से। कल हम मार्केट गए थे और मार्केट में काफ़ी भीड़ थी तो हम ये सामान ले पाए। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये है कृष्ण जी के कपड़े जो मैंने कल ख़रीदे थे, और स्पेशली ये वाले जो कपड़े हैं मैंने मणिकामेश्वर मंदिर से ख़रीदे हैं। और ये है गणेश जी के कपड़े जो मैंने ख़रीदे हैं, और ये है आसन जहाँ पे वो विराजेंगे, ये इनके लिए स्पेशली ख़रीदा है। और ये हैं शिव जी के वस्त्र, मतलब ये शिव जी की शिवलिंग में बनाया जाएगा, ये वो है। और ये है हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी को पहनाने के लिए, ये लिया था। और ये है राम सीता जी के लिए लिया था, ये भी मैंने मणिकामेश्वर से ख़रीदा है। और ये कृष्ण राधा जी के लिए मैंने ख़रीदा है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, कलर बहुत अलग भी था तो ये मैंने परचेज़ किया। और ये भी कृष्ण जी का है तो ये तीन कपड़े जो हैं ये कृष्ण जी के। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताइएगा कमेंट में, मुझे तो बीच वाला अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वैसे तो तीनों अच्छे हैं बट जो अच्छा लगेगा वो हम पहनेंगे। और फिर हमने लिया ये ज्वेलरी है जो कृष्ण जी को पहनाई जाएगी, मुकुट है, माला है, और ये शायद हाथ में पहनने के हैं, और बांसुरी भी है इसमें, पूरा एक सेट दिया है। ये है थाली जो इससे आप, मतलब ये छोटी सी बाल्टी है, कटोरी है, चम्मच है, जिससे आप उनको जब उनका जन्म होगा तब उस टाइम पे नहाएंगे इसमें बिठा के, हाँ हाँ, मतलब ग्लास भी दे सकते हैं उसमें। और ये है मुकुट, ये भी मैंने परचेज़ किया था, कल ही करा है। और ये कुछ ज्वेलरी हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, जो हर भगवान को सजाया जाएगा ये उसके लिए परचेज़ किया है। ये देखिए ये मुकुट काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे तो मैंने वहाँ से ये परचेज़ किया। ये हैं प्रभु की आँखें जो हम लगाएंगे उनकी, और ये गम है जो जिससे ये हम लगाएंगे, ये भी मैंने परचेज़ किया था। और ये भी मुकुट मैं ख़रीद के लाई हूँ, ये मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे तो मैंने ले लिए, जिसमें मोर पंख लगा हुआ है। और ये बांसुरी भी मैंने परचेज़ की जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। और ये है सबसे स्पेशल चीज़ जो मैंने ख़रीदी है कान्हा जी के लिए, झूला। और ये मतलब इलेक्ट्रिक वाला झूला है जिसमें से लाइटिंग है, पूरा लाइट लगी हुई है साइड से, तो ये पूरा जलेगा, और मतलब ये जन्म के टाइम हम इसको जलाएंगे और उनको झुलाएंगे। तो ये मैंने एक परचेज़ किया, ये मैंने कमला नगर से लिया है ये चीज़, ये झूला। और ये मैंने एक स्पेशल ख़रीदी है पूजा की थाली, जो मतलब पूजा करते टाइम मुझे अच्छी से सुंदर सी सजी हुई थाली चाहिए, तो ये मैंने एक परचेज़ किया। तो ये सब है जो मैंने परचेज़ किया कल स्पेशली जन्माष्टमी के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं, इनको सजाते हैं और आपको दिखाते हैं। और अब हम इनको तैयार कर ही देते हैं, भाई आज तो इन्हीं को देखना है तो सजाना तो है ही बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए देखिए चढ़ा, ये सारे भगवान हमारे सजा दिए गए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये है राम सीता जी जो मैंने बताया था मुझे बहुत अच्छा लगा कलर, ये वो। और ये है राधा कृष्ण जी, ये है महादेव जी हमारे, नंदी भगवान, कार्तिकेय भगवान, ब्रह्मा जी, पार्वती जी, सारे प्रभु का निवास।
और ये हैं गणपति जी, और ये हैं आज के हमारे सुपरस्टार हमारे कान्हा जी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और हमारे कान्हा जी झूले पे विराजमान हो गए हैं, और अब हम इनको झुलाएंगे। बिल्कुल बताइए कितने प्यारे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और ये हमारे बन रहे हैं व्रत के आलू, जो मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद हैं ये फ्राइड मखाने, जिसमें हमने काजू भी मिक्स किया है, और ये भी मुझको बहुत अच्छे लगते हैं व्रत में। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, साबूदाना, साबूदाना की खिचड़ी बनाई, जिसमें है मूंगफली और आलू। मम्मी का आज तो काफी खुश लग रही, हंसी नहीं रुक पा रही, कोई तो रोक लो। मैं बोलिए बोल बाके प्यारी लाल की जय। और हम आ गए अब सोसाइटी के मंदिर में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज। जिस तरह की सजावट की है आज, तो बस जगमगा रहे हमारे भगवान जी। और आप देख रहे हैं कि शिवलिंग को कितना ज़्यादा खूबसूरत सजाया है। इस बार थोड़ा लुक चेंज किया है, थोड़ा बर्फीला पहाड़ों वाला लुक दिया है हमारे महादेव को, जैसे यहीं पर विराजे हुए हैं। और ये है हमारी मंदिर की एंट्रेंस, जो बहुत ही खूबसूरत से सजाई गई है, आप देख सकते हैं। देखिए सब कुछ फूलों से भर दिया गया है। ये देखिए हमारे कान्हा जी यहाँ पर आज जन्म लेंगे, आप देख सकते हैं। और ये है हमारे गणपति जी, और ये हमारी देवी माँ, और ये हैं हमारे कृष्ण राधा जी, राम सीता लक्ष्मण जी, और हमारे हनुमान जी, जय बजरंग बली। देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा मंदिर सच में। और देखिए भोग की भी तैयारी हो चुकी है, मतलब बस तैयारी है कब जन्म हो और हम सब इसको धूमधाम से बनाएं। और मैंने पूजा की थाली सजा दी है, और ये हमारा प्रसाद, पंचीरी, बटर, चरणा व्रत है, और ये हमारी बर्फी है जो मम्मा ने घर पे बनाई है और पापा भी लाए थे, तो अच्छी लग रही है। ये है स्नान कराने का, जब जन्म लेंगे कान्हा जी, तो दही, गंगा जल, रोली, दूध, और ये है बूरा, और ये है मेवा, इससे भी स्नान करा जाता है। और ये प्रसाद बनाया है, चरणा व्रत आपको दिखा चुकी हूँ, ये सब में बटेगा जब जन्म हो जाएगा कान्हा जी का। और ये हैं फ्रूट्स, ये भी भोग में चढ़ाए जाएंगे। और ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और अभी बज रहे हैं 11, एक घंटे पहले ही सब तैयारी हो चुकी है, बस 12 बजने का इंतज़ार है। मम्मी रेडी हो, मम्मी की आंखों में नींद भर रही है, पर तब भी हम जगेंगे आज और उनका जन्मदिन मनाएंगे। क्यों मम्मी, सारी तैयारी कर ली? हाँ बिल्कुल तैयार है सब। 5, 4, 3, 2, 1, जय श्री कृष्णा। Thank you.
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आप लोग भी आरती लीजिए और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप भी प्रसाद खाइए और आप अच्छे से रहिए, और कान्हा जी सबके साथ बहुत अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।